ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर विवाद जारी है, राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। पहले तो केवल बयानबाजी होती थी, अब कांग्रेस ने भी राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब भी आरक्षण बढ़ाने के विधेयक पर फैसला नहीं हो पाया है। वहीं आरक्षण पर सियासी ड्रामा हाई हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक सांसद दल ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक बारिश के बीच सीएम हाउस का घेराव करने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन में पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुए। अंबेडकर चौक पर पुलिस ने सभी को घेरा। आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि आरक्षण पर भाजपा का धरना नौटंकी है। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का धरना भाजपा की बेशर्म नौटंकी है। सारा प्रदेश जानता है कि आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर रुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के क्षुद्र राजनीतिक निहितार्थ के कारण आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में रुका हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विधेयक को लेके ये धरना दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी है। अरे यदि आप में जरा भी नैतिकता बची है तो जाकर राजभवन से बोलिए कि आप तत्काल इसमें हस्ताक्षर करिए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक बना के सर्व समाज के हित में भेजा है, उसको क्यों रोका गया? एक महीने से अधिक हो गए, छत्तीसगढ़ के हर समाज का हित हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो इसमें नियत है, उसमें जो शंका वो साफ दिख रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।